स्पेशली इंटरनेट का जो इशू जो अभी सॉल्व हुआ 2000 अभी 6 महीने पहले, उसकी वजह से ये हुआ कि जो अर्निंग मेरी आज से 3 महीने या 4 महीने पहले थी उसके डबल से ज़्यादा हो गई। तो मेरे जहन में ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, चाहे मुझे जो भी मिल रहा उनके हाथ से मिला, तो मुझे इसी बात की खुशी थी। उसके जब मैं बाहर निकली हूँ तो सबसे पहले कॉल मेरी हस्बैंड की मुझे आई थी, उन्होंने बोला था नादी इन्जॉय द मोमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नादे इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मुझे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड मिला, एज अ फ्रीलांसर मिला है। आई एम ए सीनियर रिएक्ट डेवलपर ऑन अपवर्क और पिछले 7-8 साल से मैं अपवर्क पे काम कर रही हूँ। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2006 में मैं लाहौर गई और लाहौर में मुझे BCS करना था। मुझे शुरू से कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और मैं वैसे ही कंप्यूटर्स के साथ छेड़ती थी, छोटे मोटे गेम्स वगैरह एक्सप्लोर करती थी, तो अब्बू भी बहुत खुश होते थे, उनको लगता था मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ। वो दिल ही दिल में मुझे कुछ ऐसे फील होता था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कुछ करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ ये था कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास में स्टूडेंट नहीं, मैं एवरेज भी कह सकते हैं, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, मैं इस तरह की स्टूडेंट थी जो मतलब बहुत कम, जिसका फोकस होता था पढ़ाई पे, लेकिन मैं थोड़ी क्रिएटिव थी और हर चीज़ में अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस बहुत फील करती थी। मैं हर चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं कर सकती हूँ वाला एटीट्यूड मेरे में है शुरू से। तो BCS करने के बाद जो मैंने जैसे तैसे कर लिया, PUC IT से मैंने किया था लाहौर से, उसके जब मैं 5th semester में थी मेरी इंगेजमेंट हुई। मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो उन्होंने NCA से पढ़ा है, वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर है। 2010 में हमारी शादी हुई, मैं गिलगित चली गई कुछ अरसे के लिए, फिर वहाँ से क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब कर रहे थे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में, तो मैं उनके पास इधर आ गई। इधर जब सिर्फ मैं और शौकत होते थे तब उस वक्त हमारे पास आंटी हमारे साथ आती थी, हम 3 लोग ही होते थे, तो तब सारा दिन फारिग बैठने से तो मैंने वैसे ही एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया, और क्योंकि सब कुछ हस्बैंड कर रहे थे तो वो जस्ट इन्जॉय कर रही थी। वहाँ भी मैं ना उस वक्त मेरा उस तरह का एटीट्यूड नहीं था कि मैंने कुछ सीखना और वाकई कुछ करना है, लेकिन मेरे जहन में था कि इस फील्ड को मैंने नहीं छोड़ना है, ये इस फील्ड से कनेक्टेड रहना है, मेरा कुछ इस तरह का था। हालांकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने पढ़ के, इवन कॉलेज के टाइम में भी, इवन मैं जब दोबारा इस चीज़ को सीखने लगी तब मुझे फील हो रहा था कि HTML और CSS मैं जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ या देख रही हूँ, हालांकि इसके मैं पेपर्स दे चुकी थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में। उसके बाद जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी अरसे बाद मेरी बेबी हो रही थी, तो काफ़ी फैमिली वाले एक्साइटेड थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं कहीं भी घर से बाहर निकलूँ, और मेरी मदर इन लॉ स्पेशली बहुत ज़्यादा इस मामले में कंसर्न थी कि वो मेरा ख्याल रखना चाहती थी, वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं रिक्शे में या इसी तरह से बाहर ट्रैवल करूँ और ऑफिस जाऊँ, तो वो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि शायद मैं बेबी होगा उसके बाद मैं बिल्कुल ना रह जाऊँगी, मैं नहीं कर सकूँगी आगे ना, लेकिन फिर भी सोचती थी नहीं कर लूँगी। बेबी हुआ और बेबी होने के बाद जो मेरा फर्स्ट बेबी है वो बेबी गर्ल है माशाल्लाह, उनका नाम परिवश है। परिवश को माइल्ड डिसलेक्सिया था, डिसलेक्सिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी था वो, लेकिन परिवश को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा स्टार्ट में, उसको बहुत सारे इश्यूज थे, उसको हार्ट में एक छोटा सा होल भी था, उसको इंग्वाइनल हर्निया भी था, उसको एब्डोमिनल हर्निया भी था, और वो बहुत रोने वाली बेबी थी। मतलब समझ लें कि मुझे नहीं पता था कि कब सुबह होती है कब शाम होती है, वो बच्चा रोता रहता था और उसके साथ वो स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसा था कि मैं टोटली लाइफ से डिसकनेक्ट हो गई थी। मुझे एक तो बच्चे का दर्द होता था कि मैं उस बच्चे को पेन में देखती थी, और दूसरा उस ये थॉट कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, या मुझे ऐसा लगता था कि शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो ना मैं किसी ना मुझे अपने खाने पीने का फिक्र होती थी, ना मुझे किसी और चीज़ की फिक्र होती थी, मेरा टोटल फोकस वो बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डॉक्टर्स से मिलते रहे, ऐसे कुछ उन्होंने बोला कि नहीं, शुरू में ऑब्वियसली ऐसे बच्चे का आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो डॉक्टर्स वगैरह ने बोला कि शायद जब बेबी आपका स्कूल गोइंग होगा तब आपको पता चलेगा कि वो आगे पढ़ भी सकेगा नहीं, या उसको किस तरह के चैलेंजेस आगे फेस करने हैं, ये वाली चीज़ें। तो ये बातें सुनते वैसे ही मैं ऑलमोस्ट मेरा जो है ना
जो होप और उम्मीदें और जो आगे जो करियर के लिए जो वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई थी ना. वहाँ तो मेरा बस हो गया था कि बस मेरा ये बच्चा है जिसको मैंने आगे इस काबिल बनाना है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके. तो मैं उसके लिए पूरी ECD बन गई थी घर में, उसको पढ़ाना लिखाना, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 2-3 मंथ्स उसको फोनिक्स सिखाने की कोशिश करना, पोइम सिखाने की, हर वक्त सिंगिंग पोइम सुनाना, इस तरह की चीज़ें करती थी. मैं चाहती थी कि वो जल्दी जल्दी सीख जाए. और माइलस्टोन जब तक वो अपने कंप्लीट नहीं करती थी, जो मतलब हर दिन को मैं काउंट करती थी कि ये अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर सकती है कि नहीं. और समटाइम्स ये सोसाइटी समटाइम्स आपके ऐसे करा देती है कि आपने थोड़ी बहुत उम्मीद अगर पैदा की ना अपने अंदर तो वो उसके ऊपर पानी फेर दी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई तो मैं हर दफ़ा डिस्करेज होती थी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा अपनी बीवी को देख के ना और अपने हस्बैंड को देख के फिर उस चीज़ को दोबारा अपनी एनर्जी को बूस्टअप करती थी. और फिर मैं कोशिश करती थी कि मैंने किसी तरह से अपनी बीवी को ना बिल्कुल एक अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ नॉर्मल, लेकिन एक मतलब जैसे ऐसा बच्चा जिसको इस तरह के कोई भी इश्यूज़ नहीं है उसकी तरह ही उसको आगे उसकी परवरिश करूँ. काफ़ी अरसे की स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस काबिल है कि वो ख़ुद से रीड कर सकती है, अपने जो बेसिक काम होते हैं वो कपड़े पहनना, शूज़ लेस टाई करना, खाना खाना, वो सारा कुछ बहुत ईजी कर लेती है. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जॉली, बहुत ही ज़्यादा लव मोहब्बत करने वाली बेबी है वो. फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ ज़ोरेज़ हयात, वो माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट था और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी था. वो जो क्रिएटिव बेबीज़ जो होते हैं वो जैसे टॉयज से भी एक ऐसी चीज़ बना के दिखा देता कि हम हैरान हो जाते हैं. मेरी जिस फैमिली में शादी हुई हमिया कुछ, वो गिलगित में मशहूर है अपने बहुत ही हाई लेवल की इंटेलिजेंस की वजह से. हमिया कुछ में जितने भी लोग हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, तो वो जब उनकी फैमिली में ख़वातीन, और ये इक्वली सिर्फ मर्द नहीं, इक्वली जितनी भी ख़वातीन हैं या जितने भी मर्द हैं वो बाहर के बड़े बड़े इदारों में, UN में, इस तरह बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत जीनियस होते हैं, बाई जीन्स वो जीनियस होते हैं, ये हमिया कुछ के बारे में बोला जाता है, पूरे गिलगित में मशहूर है. तो वो थोड़ा सा फैक्टर था उस बच्चे में. तो कभी कहाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कम्स विद क्रेजीनेस का जो मैंने ये सुना था, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी बेबी के साथ भी वही है. तो वाकई कुछ ऐसे ही हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ब्रिलियंट बेबी, जहाँ कहीं जाती है लोग उससे इंस्पायर होते हैं. 2015 में मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग लाहौर छोड़ के ना गिलगित चले जाएंगे. तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट बेबी को होने के बाद जॉब छोड़ चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब दोबारा आगे अपने करियर को आगे चला नहीं सकूँगी और मैं इस फील्ड में काम नहीं कर सकूँगी. तो लेकिन मुझे हस्बैंड मेरे कहते थे कि नहीं, हम गिलगित जाएंगे, बेशक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं लेकिन बंदा अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाता है, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ ना. वो हमेशा मुझे, हालांकि वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब छोड़ के जा रहे थे, उस ज़माने में वो 1.5-2 लाख तक कमाते थे और वो छोड़ के जाना वो एक मेरे लिए वाकई एक बम धमाका था. मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. हमें जाना इसलिए लाजमी था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर अकेली होती थी और वो हार्डली गर्मियों में वो यहाँ रह नहीं सकती थी, यहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं. तो सर्दियों में सिर्फ आती थी हार्डली 2-3 महीनों के लिए. तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल दौर होता था कि हम उनको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाएं. यहाँ हमारे पास जो अपार्टमेंट था उसमें ऐसे सहन वगैरह नहीं था, तो वो उस खुले डुले माहौल में वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी. तो शौकत ने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ अम्मी के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए लगाई है. मेरे फादर इन लॉ की काफ़ी पहले, क्योंकि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उनका एक एयर क्रैश, प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया था. तो वो उन्होंने एज ए सिंगल पेरेंट वो उन बच्चों को बड़ा किया था, उनके ऊपर उन्होंने बहुत एफर्ट की थी. तो वो चाहते थे कि वो इस एज में उनको अकेला ना छोड़ें, तो हम सारे गिलगित चले गए. खैर वो स्टार्ट में मैं पर्सनली मैं ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया. मैंने ये कहा कि हम लोग यहाँ आ गए, आपने जॉब भी छोड़ दिया है, ना मेरे फील्ड से रेलिवेंट यहाँ पर कोई काम है, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उनका काम करते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग का था. तो उस तरह का काम उस वक्त नहीं हो रहा था, 2016 की बात है, बहुत कम हो रहा था. तो उनके जहन में भी था कि वो कुछ इस तरह का करेंगे. लेकिन जब हम गिलगित गए वहाँ पे कुछ अरसे जो है ना, क्योंकि मेरे बच्चे अब मेरी मदर इन लॉ संभाल ली थी, तो मेरे पास मतलब एक समझ लें कि एक प्लस पॉइंट था कि मैं वहाँ फिर अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकती हूँ. मैंने फिर एक कॉलेज में वहाँ पढ़ाना शुरू किया. कुछ अरसे मेरे ख्याल से 6-7 मंथ्स मैंने पढ़ाया, तो मुझे वहाँ पता चला कि यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे, कराकुरम यूनिवर्सिटी एक ही हमारे पास यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुछ बच्चे जो है ना उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस सा बनाया हुआ है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है. तो वो दोबारा से वो जो स्पार्क जो बहुत पुराना जो मर चुका था कीड़ा, वो दोबारा ज़िंदा हो गया और मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाके देखूँ.
तो यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में पढ़ाने के बाद मैं 2 या 3 लेक्चर वहाँ पे देती थी, उसके बाद मैं वहाँ गई और मैंने उनको वहाँ मैं गई हूँ, बल्कि ये एक स्टोरी भी है, जब मैं उस ऑफिस में गई थी तो 2 बंदे अंदर आए, 2 छोटे लड़के, लिटरली वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के अंदर आए, तो उन्होंने आके बोला आप क्यों आई हैं, तो मैंने बोला मैं इस ऑफिस के सीईओ से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला मैं हूँ इसका सीईओ ना, और मैं लिटरली शॉक में उनको देख रही थी, वो एक छोटा सा बच्चा था और वो एक इंस्पिरेशन भी बनी मेरे लिए कि ये गिलगित में रह के यूनिवर्सिटी के, वो भी कराकरम यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह अब तो बहुत बड़ा नाम हो गया है, उस वक्त शायद स्टार्ट में जब इंटरनेट और बिजली का क्राइसिस था तब मेरे लिए सोचा ना कि भाई हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से आए थे तो हमें लगता था शायद वहाँ के बच्चे, पता नहीं वहाँ यूनिवर्सिटी में होता होगा, नहीं तो वो देख के मेरे लिटरली मुंह खुला था, सर एजाज अब मैं उनको बोलती हूँ, हालांकि मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी भी एक अलग से स्टोरी है, वो इंशाल्लाह कभी फिर मैं सुनाऊंगी। उनसे मैं मिली, उन्होंने कहा कि क्योंकि इस वक्त मुझे फ्रीलांसिंग का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था और वो फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म से जॉब्स लेके आ रहे थे, लोगों के स्किल्स के ऊपर काम कर रहे थे, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आ रहे थे, तो बेसिकली एजाज, सर एजाज और फ़हीम समद, वो जो हैं बेसिकली ट्रेंड सेटर्स हैं वहाँ पे, फ्रीलांसिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करके लोगों को, गिलगित के लोगों को अवेयर करने वाले जो मेन 2 नाम हैं ये वो हैं, बहुत सारे लोग उससे पहले कर रहे थे, लेकिन जो होते हैं ना जो बाकी पूरी कम्युनिटी का जो एक माइंडसेट चेंज करने वाले, वो सर एजाज और फ़हीम समद हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है और आपको टीचिंग स्किल्स हैं आपके पास, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले ना यहाँ जितने भी हमारे पास ट्रेनीज आते हैं आप कुछ अरसे उस चीज़ को रिवाइज़ करें जो आपने सीखा हुआ है और उनको जो है ना सिखाएं। तो मैं तकरीबन एक साल या 1.5 साल उनके साथ यू कनेक्ट उनका उनकी कंपनी का नाम है वहाँ ट्रेनिंग्स करवाती रही, और फिर उसके बाद इसी दौरान मतलब शायद लास्ट 6 महीनों में जब मैं वहाँ थी तो मैंने वैसे ही अपना अपवर्क का प्रोफाइल मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ, तो वहाँ पे बल्कि मुझे उन्होंने एक क्लाइंट रिकमेंड किया, एक क्लाइंट को उन्होंने मेरे प्रोफाइल को रिकमेंड किया, तो उन्होंने मुझे हायर किया, एक पाकिस्तानी क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और वो माशाल्लाह से वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा रहा, वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो इतना अच्छा रहा और उस पर मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, तो उन्होंने मुझे दूसरा प्रोजेक्ट ऑफर किया उन्हीं क्लाइंट ने, वो भी अच्छा रहा। देन उसके साथ इन पैरेलल मुझे US और ऑस्ट्रेलिया और उसका कनाडा के ना, जब आपके पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं तो अपवर्क के फिर आपको इनविटेशंस आना शुरू हो जाते हैं, तो एक के बाद एक इनविटेशन आने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरा प्रोफाइल ऊपर जाता रहा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि अपवर्क पे अपने प्रोफाइल को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे लिए ये था कि जो 1 साल का वो जो अरसा था जिसमें मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स करवा रही थी, मैं उन सब बच्चों की स्टोरी सुन रही थी और वहाँ पे लिटरली बच्चे थे, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे थे जो कर रहे थे, मैं उनकी स्टोरीज सुनती थी कि किस रीज़न की वजह से ये जो है ना इनके प्रोफाइल्स सस्पेंड हो रहे हैं या फिर प्राइवेट हो रहे हैं या उनके प्रपोजल्स वो जो लिखते हैं उनका उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस सारी चीज़ को समझने की कोशिश करती थी। जब मैं सुबह कॉलेज जाना एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग्स करवाना और उसके बाद रात में बैठ के ना उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर रिसर्च करती थी यूट्यूब के ऊपर कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, इधर जो है ना एक तो लोकल मार्केट आपकी गिलगित की मार्केट में लोग कैसे कर रहे हैं एक वो देखा, देन फिर पाकिस्तान लेवल पर लोग क्या करते हैं वो देखा, एंड देन फिर इंटरनेशनली लोग क्या करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सब कुछ है आपके पास, ठीक है ना, आप जो सीखना चाहते हैं वो स्किल आपको वहाँ पर मिलती है। तो वो मेरे पास ये होता कि घर जाने के बाद घर के काम, बच्चों का जो ऑब्वियसली मैं तकरीबन 4-5 घंटे घर से बाहर रही हूँ तो फिर बच्चे जो हैं फिर हो जाते हैं कि नहीं मामा मामा करके, तो 7-8-9 बजे कोशिश करके बच्चों को सुला देना, फिर उसके बाद मैं रात में तकरीबन 2 से 3 घंटे मिनिमम उस टाइम पे पढ़ती थी कि एटलीस्ट जो है ना मैं जो कुछ सिखाया हुआ है उसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूँ, तो मैं उसको प्रैक्टिकली करती भी थी, और उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के क्राइसिस का जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास गिलगित में, कभी कभार तो ये होता था कि अगर मैंने बच्चों को सुला दिया और बिजली चली गई और वो अगर 3 घंटे बाद आनी है तो वो मैं 3 घंटे वेट करने के बाद फिर बैठती थी अपना काम करने के लिए, तो इस तरह का भी टाइम देखा है, और एक्सट्रीम किस्म का वेदर वहाँ पे, जैसे विंटर्स आपने पता होगा आपको इतनी हार्श होती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि रूम में इवन कंबल में आप बैठे हुए सही तरह पैक होकर तब भी आप जो है ना कपकपा रहे होते हैं, तो इस तरह के वेदर में पढ़ना, मैं जब मैं लैपटॉप पे हाथ रखती तो वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके होते थे ऐसे ना जब मैं सो रही होती थी, तो इस तरह का टाइम देखा स्टार्ट में, इस तरह से उस अपने स्किल्स इंप्रूव किए मैंने।
स्टार्टसैट में जो मैं अर्निंग कर रही थी वो टोटल अर्निंग मैं इंटरनेशनली जो कोर्सेज होते हैं, जो पेड कोर्सेज होते हैं, उनको ख़रीदने पर लगा देती थी, क्योंकि मुझे पता है वो एक इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना, कि मैं जितना भी उसमें इन्वेस्ट करूँ वो मुझे रिटर्न करेगा। जो सबसे बड़े रोल मॉडल है ना, शायद वो शायद ऐसे लगे जैसे मैं प्लान कर रही हूँ लेकिन ऐसा है नहीं, मिस्टर इमरान खान इसलिए हैं कि वो एक, उनकी हमेशा से उम्मीद होती थी ना कि जब भी कोई मसला हो तो वो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और उनको लगता है कि जो क्राइसिस आ रहा है उससे ओवरकम करने में हेल्प करने वाला भी अल्लाह ताला है और इस चीज़ से मैं निकल जाऊंगी और इंशाल्लाह कुछ बेहतर होने वाला थॉट। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलिंग वाले टाइम, तो ऐसे बहुत सारे मुश्किल के टाइम आए जिसमें मुझे होता था कि शायद अभी ख़त्म हो जाएगा, मेरा करियर भी ख़त्म हो जाएगा, मेरे बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं, शायद मुझे इस तरह की चीज़ें जहाँ महसूस हो रही थी वहाँ पे किसी, मतलब हर दफ़ा कुछ ऐसा, मैं आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर वो मोमेंट्स, लेकिन एक मुझे लगता था जैसे अल्लाह ने मेरी बात सुन ली और एक मौजा हुआ और वो चीज़ें सॉल्व हो गई और अगला दिन जो है ना मेरे लिए फिर से एक उम्मीद लेके आता था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जो, जिनको क्योंकि मैं डिसलेक्सिक हूँ और बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर रह जाती मेरी, तो इस वजह से मैं शायद इन मोमेंट्स को एक्सप्लेन ना कर सकूँ, लेकिन ऐसे भी टाइम्स मैंने गुजारे हैं। काफ़ी अरसे, मेरे ख्याल से 6-7 महीने काम करने के बाद मुझे टॉप रेटेड का मुझे बैज मिला और मेरी अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी और जो मेरी शिकायतें थी अपने हस्बैंड से वो भी मेरी ख़त्म हो गई थी। वो कहते थे देखो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है, और वाकई ऐसा हुआ। और शुरू में हम लोगों की प्लानिंग कुछ इस तरह की होती थी कि शौकत ने बोला था कि एक बंदा जो है ना घर में इस चीज़ का ख्याल रखेगा, दूसरा बंदा इस चीज़ पर फोकस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अगर शौकत करते जॉब या फ्रीलांसिंग करते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा शौक़ ज़्यादा है और दूसरा मुझे क्लाइंट्स पहले मिल गए, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको स्टेबल करेंगे, आपके प्रोफाइल को स्टेबल करेंगे एंड देन फिर मेरे उस पर फोकस करेंगे। मतलब मुझे यहाँ पहुँचाने वाले ना मेरे हस्बैंड हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान में या इवन गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना हस्बैंड्स इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मतलब ही डिडंट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड, कहते हैं ना, मुझे कामयाब देखने के लिए उन्होंने वाकई ऐसे किया है। रात को अगर 12 बजे मुझे एक क्लाइंट को रिप्लाई करना है और अचानक बिजली चली गई है तो मैं शौकत को नींद से जगाती थी कि उठ जाओ जनरेटर ऑन करो, मुझे लाजमी रिप्लाई करना है वरना ये मसला हो जाएगा। तो वो रात को 12 बजे ठंड में ठिठरते हुए, बर्फ़बारी अगर बाहर हो भी ना तब भी बाहर निकले, उन्होंने जनरेटर ऑन किया और मेरा काम मुझे करने दिया। वो कहीं बाहर किसी काम से गए हुए हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैं उनको जल्दी फ़ोन में अभी पहुंचो, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं मीटिंग में थी, जनरेटर बंद हो गया, तो वहाँ से वो सब कुछ छोड़ के भाग के आते थे। ठीक है, इंटरनेट के मसले हो जाते थे, भाई इंटरनेट नहीं चल रहा कुछ करो, वो यहाँ भागना वहाँ भागना, क्योंकि जब आज अभी तो 6 महीने या 7 महीने हुए जब मुझे फाइबर ऑप्टिक का लाइन मिला, उससे पहले मैं हार्डली 2.5 MB या 3 MB काम करती थी। और मैं आपको एक मज़े की बताऊँ, AWS की एक सर्विस है एम्पलीफाई के नाम से, तो उसका एक कमांड था एम्पलीफाई पुश, हम उसको करने के लिए मुझे एक अच्छी बैंडविड्थ चाहिए होती थी जो नहीं होता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब नहीं होता था और रात का टाइम होता था, मैं क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया के थे तो वो मेरे से उनका टाइमिंग 6 घंटे अहेड होते हैं वो लोग हमारे, तो उनके उठने से पहले मुझे काम करना होता था और वो आपकी कमांड चल नहीं रही तो मुझे कहीं ऐसा जगह ढूंढनी थी जहाँ पे इंटरनेट सही चल रहा होता, तो वो बेस्ट जगह होती थी हमारे यहाँ SEO जो है, जो हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके ऑफिस के एग्जैक्टली बाहर जाते थे हम लोग गाड़ी में और वहाँ बैठ के वो मैं कमांड चलाती थी, वो बेशक रात के 12 बजे में 1 बजे। तो इट्स मोर लाइक मैं और मेरे हस्बैंड जब हम अपने कंपनी बना रहे थे तो मैं उनको बोलती थी, क्योंकि एक लव स्टोरी भी है शायद हम दोनों की स्टोरी, तो इस कंपनी का नाम ना हम एम्पलीफाई पुश रख देते हैं। जब कोई हमसे पूछेगा ना कि एम्पलीफाई पुश क्या होगा क्या है, तो मैंने कहा था हम उनको बताएंगे कि इसके बैकग्राउंड में ये स्टोरी है कि भाई रात के 2 बजे भी हमें एम्पलीफाई पुश करना होता तो हम SEO के ऑफिस के बाहर जाते थे, वहाँ पे वो कमांड चलाते थे, साथ में जो है ना केक बेरी होता था, वहाँ से कुछ डेजर्ट वगैरह मंगवा के खा लिया। तो वो एक मज़े की चैट रहती थी हमारी और हम देखते थे कि हमने क्या अचीव किया, हम वहाँ बस वो कमांड चल रहा होता था, वो प्रोसेसिंग में होता था और हम आपस में ना वो अपनी जर्नी को रिपीट कर रहे थे, अपने प्लान्स डिस्कस करते थे। वो एक बहुत मज़े की मेमोरीज हैं जो हमने इस 7-8 साल में उतारी हैं। तो मैं उनसे कहते थे हम ये नाम रखते, शौकत कहते नहीं 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 सब कहेंगे क्या नाम रख दिया। तो खैर अभी मेरे कंपनी का नाम अल्फा लॉजिक्स है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ IT SEO इन सब ने मिलकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गिलगित में बनाया। वहाँ मूव करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरा एक तो प्रोफाइल चल रहा था, मैं घर पे मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ था, मेरे पास 4-5 लोग आते थे, उनकी मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था।
तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बच्चों को छोड़ के फिर वहाँ जाऊँ, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए हर तरह की कोशिश करके इंटरनेट और बिजली का वो जो क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए हर तरीके से कोशिशें की हुई थी। UPS लगाना, जनरेटर और इंटरनेट के लिए भी एक डिवाइस नहीं, 3-4 डिवाइसेज, और हर तरह के तरीके से मतलब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी थी। ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं की थी, लेकिन जो गुजारा हमारा गिलगित में हो सकता था ना, उन्होंने वो हर कोशिश की थी। मुझे मेरे हस्बैंड हमेशा इस बात पर बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डाउट है। मैं डाउट भी करती हूँ और मैं स्ट्रगल भी कर रही हूँ मुझे इस डाउट को ख़त्म करने के लिए कि भाई मैंने करना ज़रूर है, बेशक मैं नहीं कर सकती लेकिन मुझे करना ज़रूर है। और ये मुझे फीलिंग देना मेरे हस्बैंड के कि तुम कर सकती हो और तुम ही कर सकती हो, मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। एवरी मोमेंट, हर स्टेप में, हर चीज़ में लिटरली मुझे होता था शुक्र, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, मेरा काम मुझे ख़त्म करना है, मैं इस तरह करती थी। और वो मेरे पास, मेरे ला के ना मेरे पास जो है ना प्लेट में खाना रख देते थे, वो वहाँ ठंडा होकर रह जाता था, फिर आके एक दफ़ा मुझे गर्म करके देते। मिनिस्टर वो वक्त भी उन्होंने मुझे, मैंने वो वक्त भी देखा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैर माशाल्लाह से मुझे हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं घर में, ऐसे सर्विसेज देने के लिए जो काम करने आते हैं। तो जो शुरू शुरू का दौर था जब हमने, मैं स्ट्रगल भी कर रही थी और मुझे हेल्प भी चाहिए थी, तो वो सब कुछ अम्मी अबू बन गए मेरे हस्बैंड। उन्हें लिटरली उन्होंने मेरे साथ, मेरे लिए ऐसे काम किया। रात में जब थक के सो जाती थी और उनको पता था कि ये सुबह उठेगी और मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया होगा और उसको क्लाइंट के मैसेजेस देखने होंगे ना, तो ये बिल्कुल पैनिक कर जाएगी, तो वो मैं जब सो जाती थी तो उठ के वो मेरे लैपटॉप को चार्ज पर लगाना, मोबाइल को चार्ज पर लगा के छोड़ देना, वो मेक श्योर करते थे कि सुबह जब उठे तो इसके ना इसको ये फुल चार्ज भी मिले। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं शायद मैं यूज़ टू हो गई हूँ, उन्होंने इतनी पैम्परिंग की है ना कि शायद मुझे याद भी नहीं आ रही। मुझे कभी कभार बहुत बुरा फील होता है, मुझे कोई चीज़ ख़राब होती, मैं हर चीज़ में लड़ना भी उनसे शुरू हो जाती थी कि ये किया है पर ये नहीं किया। तो मैंने बहुत तंग भी किया उनको, बहुत ज़्यादा तंग भी किया। लेकिन मुझे यहाँ पर लिटरली बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की दुआएँ हैं बेशक, मुझे शायद मैं उसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, उनकी सुबह शाम की दुआएं। और मेरे पेरेंट्स बहुत दुआ सुबह शाम हर मोमेंट में, जैसे मुझे एक नया क्लाइंट मिलने होता तो मैं जल्दी सब्बू को फ़ोन करती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरा ना अभी नेक्स्ट अभी इंटरव्यू कॉल है तो मैंने अभी इंटरव्यू के लिए जाना है। तो लेकिन उसके अलावा उस हर चीज़ में पहले अब्बू और हस्बैंड और अम्मी, ये सब लोग, एंड स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, जिन्होंने मैं बच्चे उनके हवाले करके ना मैं निकल जाती थी। मैं बल्कि इस प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा उनको ये थैंक यू भी करना चाहूँगी क्योंकि मैंने आज तक उनको बोल नहीं सकी, शायद अम्मी अब्बू को बोलती थी और मदर इन लॉ जो मुझे सब कुछ फील होता था कि वो करती थी लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकती थी। शायद ये रिलेशनशिप ऐसा होता है, हालांकि उन्होंने अम्मियों की तरह लिटरली मुझे प्यार किया लेकिन बोलना मेरे लिए मुश्किल होता था कि आपने किया है। तो जब मैं अवार्ड सेरेमनी से घर गई थी तो मेरे आँखों से वाकई आंसू निकल रहे थे, मैंने उनको गले लगाया और मैंने उनको देख तक प्यार किया और मैंने उनको आगे बोला कि आपने अम्मी से बढ़ के ना मुझे सपोर्ट किया। और मैं वाकई लिटरली बच्चे उनके हवाले कर देती थी और मैं काम के लिए चली जाती थी और मैं वाकई इस प्लेटफॉर्म से उनको थैंक यू करना चाहती थी। मुझे वाकई मैं उनको कभी कह नहीं सकी, मुझे वाकई मेरे दिल में हमेशा होता था मैं उनको खोल के, वो फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब मैंने उनको बोला था कि आपने ये मेरे लिए किया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो, देखिए मुझे ना वो चंक्स में चीज़ें याद आती हैं। ये चीज़ उसमें शामिल नहीं किया जाए लेकिन ये होता ना कि हालांकि सास और बहू का रिलेशन बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी उसके बावजूद ना वो हम एक दूसरे के लिए एक अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन उसको उस तरह से पॉजिटिव नहीं लेते हैं जितना एक मदर का रिएक्शन या जो बेटी का रिएक्शन है, तो उस वजह से वो गैप बहुत पैदा होता है। लेकिन ये जब इवेंट हुआ उसके बाद जब मैं घर गई तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बोला कि ये मोमेंट है, आज बोलोगी तो बोल सकूँगी, उसके बाद नहीं बोल सकूँगी। तो मैंने लिटरली उनको काफ़ी देर तक हग किया और इसी तरह से प्यार करते हुए मैंने बोला कि आपने वो किया जो मेरी शायद अम्मी भी ना करती। हमारी वहाँ पे कल्चर है जिसमें ना उसको कहते हैं दहोंग थिल, कि कोई कोई बहुत अच्छा
ब्लेसिंग का या खुशी का मोमेंट होता है, तो वो आटे थोड़े से प्लेट में आटा लेते हैं और वो ना उसके ऊपर, अगर बंदे ने कोई कामयाबी की है तो उसके राइट हैंड के राइट शोल्डर के ऊपर वो आटा डाला जाता है। तो उन्होंने वो जो मेरा प्राइज था या जो मेरा अवार्ड था उसको उन्होंने वो आटा उसके ऊपर छिड़का, वो इवेंट जिसको हम दहोंग थिल कहते हैं वो उन्होंने किया। और फिर उन्होंने दुआएं की और जब वो दुआएं दे रही थी तो उनके हाथ शेक कर रहे थे, तो मैं उस मोमेंट को भी देख रही थी कि वो कहती मेरी बेटी ने ये किया, वो बार इस बात को रिपीट कर रही थी मेरी बेटी ने ऐसे किया, मेरी बेटी ने ऐसे किया। तो वो एक बहुत खूबसूरत मेमोरी थी जो आप लोगों को बताते बताते मेरे जहन से। उस वक्त सिर्फ मैं, आंटी और मेरी नंद थे, छोटी नंद, तो शायद फैमिली में दूसरे लोगों ने वो इवेंट देखा भी नहीं, तो मेरे हस्बैंड वो देखते शायद बहुत बहुत खुश होते। जहाँ पे हस्बैंड को वाकई होता है जब उनकी मदर को उन्होंने जो किया ना उसका मुंह से कोई रिवॉर्ड दे, तो वो शायद शौकत को भी पता भी नहीं होगा, लेकिन उनको जब वो सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के, ऐसा नहीं है हम दोनों के रिलेशन ख़राब है, जैसे मैं रोई तो आप लोगों को शायद, लेकिन जो होता है ना कि कोई आपके लिए कुछ करता है लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते और किसी एक मोमेंट पर जहाँ पे आप उसको बोलते हो ना, तो वो फीलिंग बहुत खूबसूरत होती है। तो वो मेरे जहन में अचानक आया और मैंने स्पेशली इंटरनेट का जो इशू जो अभी सॉल्व हुआ 2000 अभी 6 महीने पहले, उसकी वजह से ये हुआ कि जो अर्निंग मेरी आज से 3 महीने या 4 महीने पहले थी उसके डबल से ज़्यादा हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ठीक होने से, कि हमारे पास जैसे फाइबर ऑप्टिक आया है तो वो डबल अप हो गई, बल्कि थोड़ा उससे भी शायद ज़्यादा। और उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और बिजली का मसला होने की वजह से ही वो चैलेंजेस, अगर 2017 से अगर मैं अगर मुझे वो मसले शायद इतने जितने हुए शायद उससे कम होते, जैसे बिजली का मसला कम होता या इंटरनेट का मसला कम होता, जैसे अगर हमारी एक क्लाइंट से इंटरव्यू हो रही है इस वक्त तो बीच में बस बिजली चली जाती है और हम हैंग हो जाते, एक मतलब बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे इन्विटेशन आती थी वो इसी तरह से ज़ाया हुई हैं कि इंटरनेट बंद हो गया बीच में या फिर बिजली चली गई। उस सब चैलेंजेस को अपने लिए हर्डल नहीं बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बनाई, और एवरी टाइम कोई जॉब चली जाती थी तो मेरा होता था कि नहीं ये शायद इसलिए नहीं गया कि उससे बेहतर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है, और फिर ऑब्वियसली अपना स्ट्रगल जारी रखा। और जब मेरे पास जॉब नहीं होती थी, क्योंकि स्टार्ट के ऐसे कुछ टाइम भी था जब मेरे पास, यानी कुछ अर्से मैंने काम किया लेकिन उससे इतनी अर्निंग होती थी कि अगले 4-5 महीने ईजिली निकल जाते थे, तो उसमें ये होता था कि मैं कोर्सेज़ खरीद कर उन कोर्सेज़ को कम्प्लीट करती थी और अपने स्किल्स इंप्रूव करती थी। और मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे जिनको था कि आपा आपका ना प्रोफाइल बहुत अच्छा चलता है, तो क्या रीज़न है, आप किस तरह से इसको चला रही हैं, तो मैं उनको हेल्प करती थी उनके लिए कोर्सेज़ खरीद के उनको देना। जैसे मैंने यूडमी के बहुत सारे कोर्सेज अपने पास खरीदे हुए हैं, और जो भी बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स की वजह से टाइम नहीं होता है उनको हेल्प करना, तो मैं उनको डायरेक्टली वो कोर्सेज दे देती हूँ, क्योंकि वो खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डॉलर्स में उनका खरीदना पड़ता है, तो वो मैं दे देती हूँ। या फिर मैंने थीम्स वगैरह जो $100 या $50 किस तरह के जिस तरह के थीम्स मैं डाउनलोड करती हूँ तो वो दे देती हूँ, तो वो इस तरह से मैं उनकी हेल्प करती हूँ। उसके अलावा अब तो जैसे मैंने ऑफिस में मूव किया है तो मेरे पास लोग आते हैं, तो मेरे जो टीममेट्स हैं जो इतना टाइम दे सकते हैं उनको ट्रेन करें तो वो उनको ट्रेन करते हैं, और 1-to-1 हम ट्रेन करते हैं, प्रॉपर क्लासेस रख के नहीं। मुझे लगता है इंटरेक्टिव ट्रेनिंग में ना ज़्यादा आप जल्दी उनको सिखाते हैं, तो इस तरह से मैं ट्रेन करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे ख्याल से 100+ स्टूडेंट्स होंगे जो उनको मैंने ट्रेन किया होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर एबल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स बना के अपने अंडर 10-15 बच्चे रख के दो काम भी कर रहे हैं, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कभी कभार। जब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स से कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि एक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है ई कॉमर्स का, तो उस वक्त मैं किसी काम के साथ बहुत बिजी थी और मुझे लगा शायद वैसे ही कोई कॉल है तो वैसे मुझे बुला रही। आपको पता है ऐसे नेशनल ई कॉमर्स का कन्वेंशन होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से आपको जो है ना हम चाह रहे हैं कि आप आएँ और आपको भी अवार्ड मिले, तो मुझे लगा शायद कोई वैसे ही ऐसे कोई बुला रहे हैं, कोई प्रोग्राम होगा। तो ऑल द वे फ्रॉम गिलगित टू इस्लामाबाद 20 घंटे का सफ़र इमिजिएटली, तो क्योंकि उन्होंने एक दिन का ही मुझे बताया था कि इमिजिएटली तो मुझे जहाज़ के टिकट्स भी नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा पता नहीं मैं आ सकूँगी, उन्होंने कहा था देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना, तो फिर दोबारा से मेरे अंदर से स्पार्क हो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी चाहे जो,
तो मैं अब्बू से भी जब कह रही थी कि मैंने कहा अब्बू वहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना है, और कभी कभार ये होता है कि वो नहीं आते सिक्योरिटी रीजंस और बहुत सारी दूसरी वजह वजूहत की वजह से, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट तुम्हें अवार्ड मिला है इस बात की खुशी है। तो मेरे जहन में ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, चाहे मुझे जो भी मिला उनके हाथ से मिला, तो मुझे इसी बात की खुशी थी। तो पहले उनको मैंने थोड़ा डाउटफुल होकर बोला था कि पता नहीं मैं आ सकूँ ना आ सकूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई और लास्ट मोमेंट तक मुझे नहीं पता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड मिलना है, तो मुझे तो ऐसा लगा था शायद बहुत सारे फ्रीलांसर्स या बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिनमें ऐसे लाइन में लगा के जो अवार्ड्स दे रहे होते कुछ इस तरह का होगा। लेकिन जहाँ जब मैं कन्वेंशन हॉल में गई, जिस तरह का उन्होंने मुझे वहाँ पे इंकरेजमेंट दी प्रोटोकॉल देते हुए, वो सारी चीज़ें मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि क्या जो मैंने स्ट्रगल किया था क्या उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये कुछ मिला है। एक तो अल्लाह ताला की रहमत थी, ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जिनको एक्नॉलेज करने की या जिनको भी आगे लाने की ज़रूरत थी। मेरा ये है कि जो क्लाइंट्स 2015 में जिनके साथ मैं काम कर रही थी उनके साथ मैं आज तक काम कर रही हूँ, जो बहुत मतलब बहुत कम होता है अपवर्क पे कि आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो 3-3, 4-4 साल आप उसके साथ काम करें। ऐसे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सारे लोग हैं जो करते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी एक्सपीरियंस रहा है कि जिन क्लाइंट के साथ मैं स्टार्ट में काम कर रही थी वो अभी तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं अपने काम में कम्युनिकेशन और जो कंसिस्टेंसी है उसका मतलब दामन नहीं छोड़ती। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से काम नहीं भी हुआ है ना, मैं अपने क्लाइंट को वो कम्युनिकेट करूँ। तो शायद वो भी रीज़न थी, मेरे से बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग, एक्स्ट्रा लोग, ऑर्डिनरी लोग थे और स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने तेज़ थे वो कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने टाइम पे अपने क्लाइंट को अपडेट रखती हूँ और अगर मुझे एक चीज़ नहीं आती तो मैं ऑनेस्टली उसको बताती हूँ और मैं उससे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे 2 या 3 दिन देते हैं, इस स्किल को जो है ना मैं सीख के फिर जो है ना ये काम करके दूँगी। और वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट उनका पैदा हो गया कि वो मुझे वो इजाज़त देते हैं। इवन लिटरली वो लोग मुझे इवन वो आर्स लॉक करके करने की इजाज़त देते हैं। पहली बात तो ये कि जो टैक्स रिडेम्पशन की बात हुई तो पूरे फ्रांस से माशाल्लाह बहुत खुश हुए थे। मैं खुश तो ज़रूर हुई थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हम पे टैक्स नहीं लगता, इसीलिए शायद उसको मैं उतना फील नहीं कर सकती और हम पे बाकी टैक्स नहीं लगता, तो शायद उसकी वैल्यू यहाँ के फ्रीलांसर ज़्यादा बेहतर आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का ई कॉमर्स का जो पोर्टल ई तिजारत का जो उन्होंने पोर्टल बनाया वो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज होंगे जिनके लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते थे ख़रीदने के लिए, और उन्होंने बोला कि हर तरह के रिसोर्सेज पोर्टल पे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम इस गवर्नमेंट ने किया है। जो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इन्होंने बोला है कि जो रजिस्टर्स फ्रीलांसर्स होंगे उनको मेरे ख्याल मैंने डिटेल से वो नहीं पढ़ा, मैं कुछ रैंडमली ना बोल दूं कि उनके लिए बहुत सारे मेरे ख्याल से पर्क्स हैं, आई डोंट नो क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी उन्होंने मुझे बात की थी, मेरे साथ हिशाम सरवर बैठे थे, उन्होंने बोला था कि यूडमी के जो कोर्सेज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, पेड रिसोर्सेज वहाँ पे होंगे, ठीक, जिनके लिए बच्चों को मतलब यानी लिटरली उनके पास पैसे होने चाहिए थे बहुत सारे खरीदने के लिए, क्योंकि कुछ तो आपको $10-11 में मिल जाते हैं लेकिन जो बेस्ट सेलिंग होते हैं वो आपको $89, $90, $150 इस तरह के होते हैं जो आप चाहते हैं कि पढ़ना। लिटरली मेरे साथ स्टार्ट में उस तक मेरा दिल करता था वो खरीदूँ, लेकिन फिर मैं अपने पॉकेट को दे दी कि नहीं चलो ये जब ब्लैक फ्राइडे आएगा तब खरीदूँ, क्योंकि मेरे उसको मैं कार्ट में डालती जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें वो चीज़ें ईजी हो गई, और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को अवेल करना चाहते थे तो वो चीज़ें उन्होंने आसान कर दी हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो ई-तिजारत का उन्होंने बनाया है। रियली रियली ग्रेटफुल कि जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और स्पेशली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम लिया जो मतलब क्या था, एक इटसेल्फ एक मोटिवेशन के लिए जो आप कहते हैं ना पूरा एक फ्यूल देना वो था। और उसके बाद मेरे जहन में जो मैंने आइडिया सोचे थे कि ये भी करना है वो भी करना है, और फिर वो समटाइम्स वो थोड़े से जब वो मेरे आइडियाज़ जो मैं दबा देती कि ये अभी नहीं होने वाला, वो दोबारा फ्यूल अप हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे जहन में है कि जो मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जो मेरा स्टूडियो वहाँ पे है जहाँ पे मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ, और जो नई टेक्नोलॉजी मेटावर्स की दुनिया है या फिर या आपके पास क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने का मेरा प्लान है आगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कम स्टडी किया है। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं जिस किस्म का मुझे काम मिल रहा था उसके ऊपर मेरा फोकस था, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि जो काम है वो मेरे टीम मेंबर्स करें और मैं रिसर्च करूँ, रिसर्च बेस्ड मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बूट कैंप्स अभी रखूँगी, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं हेल्प लेने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे जो है ना प्रोफाइल्स बनाने हैं या फिर स्किल डेवलप करने हैं। तो उस तरह के छोटे छोटे मैंने
कोर्सेज वगैरह उनके लिए रखने हैं, ये मेरे प्लान्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए. तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए तो बस अभी तो वाकई कोई प्लान नहीं है. एक्चुअली इस अवार्ड के फ़ौरन बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई और तब मुझे पता चला, एक तो मेरे हाथ में अवार्ड आया, उसके ऊपर जब मैंने उसको खोला तो उस पर लिखा हुआ था, उससे पहले मुझे नहीं पता था मुझे अवार्ड ये मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक्सलेंस अवार्ड. तो ये देख के ही मतलब जैसे मतलब बंदे के रोंगटे खड़ी हो जाते हैं कि मुझे वाकई ये मिला है. और सामने जब मुझे लोगों की आवाज़ ना बहुत धीमी धीमी कानों में आ रही थी, जो इतने ज़्यादा मेरे थॉट्स में बम्बारमेंट हो गई थी, कि वो जब मैंने वो शील्ड देखा उसके फ़ौरन बाद, ख़ानदान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे कॉल ना किया हो, या गिलगित बल्तिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने कॉल किया. हर दूसरा बंदा अप्रिसिएशन के मैसेजेस भेज रहा था और वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था. मतलब एक कॉल ख़त्म होती थी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरह. और उसके साथ साथ मेरे दिमाग में प्लान्स बन रहे थे कि मुझे अभी करना क्या है, मुझे अभी करना क्या है, मैंने कनेक्शंस कैसे क्रिएट करने, क्योंकि उसी टाइम पे इरम को भी मिला था जो कंटेंट राइटर है माशाल्लाह से, उनको भी अपना प्रेजिडेंट एक्सेलेंस अवार्ड मिला है. मैंने उनके साथ भी कॉन्टेक्ट किया, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी, मैं कहता हम दोनों ने मिलकर जो है ना आपकी फील्ड से रेलिवेंट कुछ प्रोग्राम्स रखने. और मैंने फिर फ़ौरन घर जाते ही भी मैंने प्लान किया कि मैंने अपने कम्युनिटी के लिए जो अभी तक मैंने जो सक्सेस हासिल किया उसमें जो कुछ सीखा है उसको कैसे उनको ट्रांसफ़र करना. अभी तक मैं करती रही हूँ, जो भी बंदा मेरे पास आया, मेरे को मैं चाह रही थी कि मैं बड़े बड़े इवेंट्स करूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने वो प्लान्स दबा के रखे थे कि नहीं थोड़ा कुछ अरसे बाद, थोड़ा कुछ अरसे बाद. लेकिन अब मेरे प्लान्स जो हैं ऐसे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ. अच्छा, उसकी जब मैं बाहर निकली हूँ तो सबसे पहले कॉल मेरी हस्बैंड की मुझे आई थी. उन्होंने बोला था, नादी इन्जॉय द मोमेंट. और मुझे नहीं समझ आती वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब मुझे उसके फ़ौरन बाद मुझे डिफरेंट काउंसिल से, डिफरेंट इदारों से जब कॉल आया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई जो मुझे एक फील करा, मतलब एक सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग आई ना, कि वाकई मुझे सोशल मीडिया के हर पेज के ऊपर मेरी वीडियो को, उसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे पोस्ट उन्होंने, इतने इतने काइंड वर्ड उन्होंने यूज़ किए थे, वो देख के एक जो मैंने मेहनत की थी वो ऐसे लग रहा था जैसे उसका फल मिल रहा है ना, वो मोमेंट ऐसा था. उसमें वाकई लिटरली मुझे फील हुआ कि शायद मैंने जो थोड़ी बहुत मेहनत, ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की हो, लेकिन जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की तो उसका रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला ना, वो मैं शायद लफ्ज़ों में शायद बयान ना कर सकूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं वाकई मेंशन करना चाहूँगी, स्पेशली बहुत सारे मतलब पाकिस्तान के हर हिस्से में स्टूडेंट्स जो है ना फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का मैं इसलिए बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ को प्रमोट इसलिए करना चाहूँगी कि जो 50% बच्चा है वहाँ पर, हमारे पास एक ही कराकरम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 50% बच्चा जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो जैसे ही सेकेंड ईयर कर देते हैं, अब उनका फोकस कुछ इस तरह का चेंज हो गया, या उनका माइंडसेट कुछ इस तरह का चेंज हो गया कि पहले उन्होंने स्किल डेवलप करनी है, एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से थोड़ी बहुत अर्निंग करनी शुरू करनी है, एंड देन यूनिवर्सिटी को आगे शुरू करना है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल अपनी फ़ी भी उठाते हैं और अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं. और ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो तो माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर में. तो ऑलरेडी हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो 98% है. तो और ये जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ मैं इक्वली, सिर्फ मेन की बात नहीं कर रही हूँ, इक्वली जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं उतने ही मर्द काम कर रहे हैं, शायद ख़वातीन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में ज़्यादा काम कर रही हैं. और एक और मज़े की बात मैं बताऊं, जो गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अब वो ये सब कुछ देख के इतने इंस्पायर हुए हैं कि 8 घंटे के काम करने के बाद वो एसटीपी या किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे फ्रीलांसिंग सिखाई जा रही है वहाँ जा रहे हैं और अपने स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं. स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि ऑलरेडी जो हमने सीखा है उसके अलावा ये जो नई दुनिया आ रहा है ना उसमें भी हम शामिल होना चाहते हैं, उसको हम सीखना चाह रहे हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास ऐसे लोग बहुत आए हैं. तो बहुत एनर्जेटिक और हमेशा एक चीज़ें सीखने का एक जोश होता है ना, एक हमेशा एक लर्निंग के प्रोसेस में रहने वाले उस मेंटेलिटी के साथ के लोग हैं हमारे ना. मेरा मैसेज जो है पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए ये है कि देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे. बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बींग अ वुमन, मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे इस काम को करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में एक बात थी कि ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं कर गई. सो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे.
तो मैंने किसी बिजली के क्राइसिस ने, किसी इंटरनेट के क्राइसिस ने मुझे रोका नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप करना चाहते हैं तो कोई एज की लिमिट नहीं है, आप आज शुरू करेंगे ना आप अगले एक दो साल में वो कर जाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, अगर आप मोटिवेटेड हैं। और बस ये थी मेरी स्टोरी, शायद बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर subscribe and share Neemu Pani.